नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली वेज से। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले प्याज भजिया की रेसिपी, जिसे आप शाम के नाश्ते में ही बना सकते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या कभी भी आपके घर में गेस्ट आ जाए तो भी आप इसे झटपट से बना सकते हैं। ये बारिश का मौसम हो तो उसमें भी झटपट से बना सकते हैं, बिल्कुल आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे बनाने में। बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि झटपट से बनने वाली प्याज भजिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बट स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल ओनली वेज पे नई बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हम बना रहे हैं प्याज भजिया, तो इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारा प्याज। तो एक बड़ा प्याज था जिसे मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कली ली जिसे मैंने कट कर लिया, 2 से 3 हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक का जैसे मैंने कद्दूकस कर लिया, बेसन है, कुछ मसाले हैं तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच और धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच लिया। साथ ही नमक मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया या फिर स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले हमें लेना है एक पतीला और इसमें मैं प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च सारी चीज़ें डाल दूंगी। अगर आप और भी ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़ा और आप हरा मिर्च डाल सकते हैं। इन सभी का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, तो बहुत ज़्यादा मसाले हमें इसमें नहीं डालना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन। तो सबसे पहले मैं इसमें 3 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। अगर मुझे आगे मिक्स करने के बाद लगेगा कि और ऐड करना है तभी मैं इसमें ऐड करूँगी, वरना ऐड नहीं करूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है नॉर्मल चम्मच से। और बस अब हमें इसमें ऑयल डालना है 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर देना। अगर आप नमक ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं तो थोड़ा आप कम भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी डाल के इसके एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लें। तो एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, 2-3 चम्मच करके पानी आप इसमें ऐड करें। तो मैंने इसमें कुल 5 से 6 बड़ी चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड किया और हमारे जो मिक्सचर है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा पानी बिल्कुल डालें क्योंकि अगर ये गीला हो गया तो ये हमारा जो भजिया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, तेल में बिखर जाएगा। तो मैंने इसमें और बेसन ऐड नहीं किया क्योंकि जितना बेसन मैंने डाला उतना बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्याज ले, अगर आपको लगे कि और ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और हमारा ये जो अब मिक्सचर है वो बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हमें सबसे पहले ऑयल गर्म होने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल हमें नहीं चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल हमें चाहिए। तो हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है, तब हमें क्या करना है कि अपने हाथों में पानी लगाना है। आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दें कि जब भी आप इसे ऑयल में डालें तो आप हाथों में पानी लगा लें और उस मिक्सचर को हाथों से सेट करते हुए और उसके बाद उसे गर्मा गर्म तेल में डालें। तो हमारा तेल ही मैंने हाथों में पानी लगाया और मिक्सचर लिया और मिक्सचर से हाथों को शेप करते हुए, हाथों से हल्का दबाते हुए और उसे डाला। इससे डालना थोड़ा आसान हो जाता है, वैसे से शेप में रहते बिल्कुल बिखरते नहीं है। तो मेरे पैन में जितना स्पेस है मैं उतना ऐड कर रही हूँ। आपकी कढ़ाई या पैन में जितना स्पेस हो आप एक बार में उतना ही ऐड करें। बहुत ज़्यादा भरे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर देंगे तो आपस में चिपके वैसे बनेंगे। डालने के बाद हमें इसे तुरंत नहीं हिलाना है, हम इसे नीचे की तरफ से हल्का सा कुक होने देंगे। फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो वो ऊपर से बिल्कुल जल्दी जल्दी पक जाएगा लेकिन अंदर से जो बेसन है वो कच्चा ही रह जाएगा। तो मैंने फ्लेम लो ही रखा है और लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। तो कुल 1 मिनट हो गया और ये नीचे से हल्का सा सिक गया। तो उसके बाद अब मैं इसे धीरे धीरे करके हिलाऊंगी और चारों तरफ से इसे अच्छे से कुरकुरी होने तक तलूंगी। लो फ्लेम पे कुक होने से एक तो बेसन अच्छे से कुक होगा और दूसरा ये कुरकुरी भी बनकर रेडी होती है। तो हम इसे आराम से पकने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट आपको लग जाते हैं एक बैच को फ्राई करने में। तो ये बस फ्राई हो ही रही है। जब तक आपकी ये भजिया रेडी हो रही तब तक आप चाय रख दे, चढ़ा दे गैस पे बॉयल होने के लिए और फिर गर्मा गर्म की भजिया और चाय इंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बातों बातों में ये देखिए हमारे जो भजिया है वो फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसे सर्व भी करे। तो मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप उन्हें टमाटो सॉस के साथ दें, अगर बड़ों को दे रहे हैं तो 1 कप चाय भी दे दें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इस झटपट से बनी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बताना बिल्कुल ना भूलें। और जाने से पहले अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।